नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज अब हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में लग गई हैं, धुआंधार जुटने में लगी। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे सूरत से बीजेपी की सांसद दर्शना जरदोश का रिपोर्ट कार्ड। सूरत लोकसभा सीट पर जहां पहले कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1979 के बाद से यहां पर बीजेपी का राज है। सूरत को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। विकास की रफ्तार यहां पर बहुत तेज है, यहां पर बहुत तेज है। इसके बावजूद यहां की जनता हर चुनाव में जाति पाति से ऊपर उठकर वोट करती है। आज हम आपको बताएंगे सांसद दर्शना जरदोश का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है, साथ ही ग्राउंड यानी सूरत लोकसभा में विकास का पैमाना कैसा दिखाई देता है। दोनों आधार पर यहां के सांसद के रिपोर्ट कार्ड में सूरत की जनता कितने नंबर दे रही है। 2024 से पहले सांसद दर्शना जरदोश, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी के रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। सूरत लोकसभा सीट, सिल्क और डायमंड सिटी के नाम से सूरत दुनिया में फेमस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में सूरत भारत में पहला पोजीशन रखता है। सूरत की खास बात है, यहां पर देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं और इसीलिए इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बीजेपी की दर्शना जरदोश सूरत लोकसभा से वर्तमान में सांसद हैं। सूरत लोकसभा सीट देश की वीआईपी सीट मानी जाती है। सूरत से ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 5 बार सांसद रहे हैं। 1989 से पहले तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इसके बाद सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। 2009 में पहली बार यहां से महिला सांसद दर्शना जरदोश बनी। तो देखते हैं सूरत लोकसभा सीट का इतिहास।
1989 से 2009 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी से काशीराम राणा यहां से सांसद रहे। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव में यहां से दर्शना जरदोश सांसद बनी है। आंकड़ों के मुताबिक सूरत लोकसभा में करीब 17 लाख मतदाता हैं। सूरत लोकसभा में करीब 90% आबादी शहरी है, जबकि मात्र 10% ही आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। व्यापारिक नगरी होने की वजह से यहाँ विकास की रफ्तार बहुत तेज है। सभी विधानसभाओं में विकास का पैटर्न लगभग बराबर दिखता है। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं: ओलपाड, सूरत पूर्व, सूरत उत्तर, वराछा रोड, कारंज, कतारगाम और सूरत पश्चिम। राजनीतिक लिहाज से भी सूरत लोकसभा काफी खास है। यहाँ की सियासी हलचल की आहट दिल्ली तक सुनाई पड़ती है। चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त भी यहाँ पर विकास ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ देश के करीब सभी राज्यों से लोग रोजगार के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ का सामाजिक ताना बाना किसी खास जाति के लिए नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ की राजनीति में दखल रखते हैं। वैसे तो विकास की रफ्तार बहुत तेज है, इसके बावजूद यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना करती है। मसलन पेयजल, जलभराव, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, डायमंड व्यापारी नाराज हैं, कपड़ा कारोबारी भी नाराज हैं, जनसंख्या असंतुलन और शहरी महंगाई बहुत ज्यादा है। 2024 का आम चुनाव सूरत के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले सूरत की जनता सांसद दर्शना जरदोश के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हरा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। देखते हैं सांसद दर्शना जरदोश के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल? पास या फेल? बस थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर सूरत की जनता ने सांसद दर्शना जरदोश के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद दर्शना जरदोश का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है, और साथ ही इंडिया न्यूज भी संसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद दर्शना जरदोश का संसद में प्रदर्शन आखिर कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर? संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो दर्शना जरदोश 94% उपस्थित रही हैं, 94%, यानी करीब हर दिन संसद की कार्रवाई में हिस्सा लिया है। सदन में, सूरत और देशहित में सांसद दर्शना जरदोश हमेशा सवाल उठाती रही हैं। 2019 के बाद से सांसद संसद में दर्शना जरदोश ने 95% सवाल पूछे हैं, 95% जो सूरत और देशहित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़, सांसद दर्शना जरदोश ने करीब 90% सांसद निधि का उपयोग कर लिया है। पिछले 5 साल में सूरत में किए गए विशेष काम और देशहित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 85% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर वह जानी जाती हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर सूरत की सांसद दर्शना जरदोश को 10 में से मिलते हैं पूरे 9.1 नंबर, जो संसद में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन माना जा सकता है।
तो आपने देखा सूरत की सांसद दर्शना जरदोश को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कि ग्राउंड जीरो और सूरत लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले सूरत की जनता के दिल की बात और आवाज आपको सुनाते हैं। जी बहुत सारे प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं दर्शना बहन जी, हमारे समाज में चाहे यहाँ का कुछ भी प्रोग्राम होता है तो हर एक चीज़ में वो आते हैं। भी ऐसा दिक्कत रहता है तो उनकी ऑफिस से अपने कलेक्टर कमिश्नर कचहरी के सामने तो वहाँ पे अब कुछ भी प्रस्ताव रखते हैं तो उस कार्य को सुना जाता है, समझा जाता है और किया भी जाता है। नहीं, हम तो मोदी को देख के देंगे। ऐसा है कि मोदी का आज का में और पहले के में बहुत फर्क है। अभी जो कार्य हो रहे बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं मोदी के नाम से। हमारे एरिया में बहुत सारा विकास हुआ है जो अलग अलग तरीके से, किसी को रोड के माध्यम से या किसी सरकारी आवास के माध्यम से लोगों को बहुत सारे इसमें सुविधा मिली है। उनके काम से हम बहुत खुश हैं और बहुत सारी पब्लिक है जो खुश है और बहुत सारा अपडेट हुआ है और मैं चाहूँगा कि हमेशा से ये रहे। दर्शना बहन दर्जोत जो है बहुत बढ़िया सांसद है और रेल मंत्री भी है और हमारे यहाँ जो हफ्ते में ट्रेन चलती थी वो रेगुलर हो गई है और भीड़ होती थी ट्रेन में, जो बहुत भीड़ होती थी, अभी उसमें सुधार हुआ है और जो बाथरूम वगैरह जो गंदा होता था वो भी उसमें भी सुधार हुआ है। पार्टी के आधार पर वोट देंगे, कैंडिडेट के आधार पर वोट देंगे, जो काम कर रहा है उसके हिसाब से काम कर रहा है। अभी आप देख रहे हो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हो रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, सूरत में मेट्रो आ रही है, वो सब के काम में जनता भी जुड़ दो और बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। कई बार मिला हूँ उनसे और रजूआत भी ज़्यादा की है और हमारा काम भी ध्यान से सुनते और काम करते भी है। केवल भाजपा को ही वोट दिया है और जब तक भाजपा की पार्टी रहेगी तब तक मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स है वो सब है वो भी भाजपा को ही वोट करेंगे। उनका प्रश्नों का सुनना, आप उनका ट्विटर उनका खुद का सोशल मीडिया फेसबुक हो, ट्विटर हो या अन्य सोशल साइट है जो, वहाँ आप देख सकते हैं कि कितना एक्टिव है हमारे सांसद और हमारे मंत्री। नाम भी पता नहीं है और कई बार आते भी नहीं है, बहुत बार जीते ऐसे लोग बोलते हैं लेकिन कभी वराचा में आया नहीं। हम लोग बार बार उनको आवेदन पत्र भी दिए जा जाके, उसके बाद भी हमारे उत्तर भारतीयों के लिए ट्रेन नहीं दिया गया, इसके चलते हमारा पूरा उत्तर भारतीय नाराज है। ऐसी सरकार को मैं कहता हूँ कि घुटनों के बल आ गए हो और सत्ता अगर नहीं बदलेगी, अगर ये गुजरात की सरकार गुजरात के लोगों तो बहुत आने वाले जो समय है वो शिक्षा में और भी 10% आ रहा है, जो रिजल्ट वो और भी नीचे जाएगा। तो जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम पर दर्शना जरदोश को 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं, जी हाँ, और उन सवालों का जवाब सूरत की जनता यानी कि सूरत लोकसभा सीट की जनता ने बड़े खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर आया है, आइए आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपकी शासक क्षेत्र में रहती हैं? हाँ कहने वाली जनता है 52%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 8%। दूसरा सवाल, क्या आप अपनी सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 69%, 69%, नहीं कहने वाली 25% और पता नहीं 6%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 57%, 57%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं 3%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 47%, नहीं कहने वाली 47% और पता नहीं 6%। पांचवा सवाल,
मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए। हां कहने वाली जनता है 30%, नहीं कहने वाली 67%, 67%, नहीं कहने वाली और पता नहीं 3%। छठवां सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम। हां कहने वाली जनता है 76%, 76% लोग सूरत लोकसभा सीट के ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर होंगे। नहीं कहने वाली जनता 11% और पता नहीं 13%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे। हां कहने वाली जनता है 62%, 62%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 8%। सात सवालों का जवाब सूरत की जनता अलग अलग तरह से देती दिखाई दी। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में नहीं रहती, तो कई लोग का मानना है कि दर्शना जरदोष इन्हीं की वजह से सूरत का विकास और तेजी से हुआ है। उम्मीदवार नहीं बदला जाए, काम अच्छा कर रही हैं सूरत की सांसद। वहीं कई लोग काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी सूरत की जनता की नजर में अहम दिखाई दे रहा है, तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर सूरत की जनता सांसद दर्शना जरदोष को 10 में से दे रही है 6.6 नंबर, जो ठीक कहा जा सकता है, जो ठीक कहा जा सकता है। आइए अब वक्त आ गया है ये जानने का, जिसका इंतजार आपको पिछले 20 मिनटों से, कि आपकी सांसद उनको उनकी लोकसभा सीट की जनता ने पास किया है या फेल। अब जानते हैं बीजेपी से सांसद दर्शना जरदोष के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 9.1 नंबर मिले। वहीं सूरत लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए इस आधार पर 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद दर्शना जरदोष जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिखाई दे रही हैं। जी हां, सूरत की जनता ने सांसद दर्शना जरदोष के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। दर्शना जरदोष के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सूरत लोकसभा की हजारों लोग, यानी कि सूरत लोकसभा सीट से हजारों लोगों से बात करने के बाद यह आंकड़ा हम अपने दर्शकों यानी आपके लिए लेकर आए थे। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया है, जिसे हमने आपको दिखाया, बताया और समझाया है, जिसमें सूरत की सांसद बीजेपी की नेता दर्शना जरदोष पास हो गई हैं। जी हां, दर्शना जरदोष पास हो गई हैं। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सूरत की सांसद दर्शना जरदोष पास हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न, जी हां, कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। 2024 में किस आधार पर सूरत की जनता वोट करेगी कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।